देखो भाई, ये हमारे भैया के हाथ में बिल्ला, ये है हमारा मियाँ और वो है हमारा अलगदा। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और अपने सही ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई, कल का तो व्लॉग बनाने में जो है ना, यकीन करो बड़ा टाइम लग गया था। तकरीबन जो है अराउंड 4 से 5 घंटे सिर्फ एडिट करने में लग गए थे। मेरा इरादा था कि जो है ना, मैं अपना व्लॉग तकरीबन जो है वो अपलोड कर दूंगा 4 या 5 बजे तक, लेकिन अपलोड करते करते 7 या 7:30 या 8 बज गए थे, शायद 8 बजे अपलोड किया था। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 2:30 या 3 का और मैं अपना व्लॉग नंबर 3 शूट करने शुरू कर रहा हूँ। तो अभी आया हूँ छत पे मुर्गियाँ वगैरह खोलने के लिए, दाना वगैरह डालने के लिए। और मेरे आज बाल वगैरह सही हैं, कल जो है किसी ने शिकायत करी है। थैंक यू भाई, जिसको जो चीज़ सही ना लगे वो मुझे बताए कि भाई आपकी ये चीज़ सही नहीं है, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा कि भाई जो चीज़ सही नहीं है उसको जो है अच्छा बनाया जाए। तो जिस जिसको जो चीज़ सही ना लगे काइंडली मेरे को या तो कॉमेंट में बता दे या व्हाट्सएप पर बता दे, जैसे मुनासिब लगे वैसे बता सकता है। तो चलो अभी मैं मुर्गा वगैरह खोलता हूँ, कबूतर तो घूम ही रहे। मुर्गा वगैरह खोलूँ तो फिर जो है, अच्छा हाँ वो सूरज पीछे था तो शायद लाइट का मसला हो रहा। तो मुर्गा वगैरह खोलता हूँ तो फिर जो है ना दाना वगैरह डालता हूँ, भूखा खड़ा हुआ है वो अभी। तो मुर्गा वगैरह खोल लिया मैंने अभी और जो है ना दाना वाना खा रहा है मुर्गा। तो तकरीबन 1 हफ़्ते पहले हम लाए थे अपनी मियाँ और बिल्ली, काफ़ी टाइम से तकरीबन 1 साल से सोच रहे थे कि बिल्ला लेना है, बिल्ली लेनी है घर में रखने के लिए, पर्शियन जो कैट होती है। तो 1 हफ़्ते पहले मतलब पिछले संडे को, आज भी संडे, पिछले संडे को जो है हम एक बिल्ला लाए थे जिसका नाम हमने मियू रखा था। तकरीबन उसकी एज है तकरीबन 4 या 5 मंथ। वो बिल्ला लिया था जिसका नाम मियू रखा था। तो यही है कि जो है ना अगर वो कितना गंदा हो रहा था तो अच्छा नहीं लगता था, माना येलो येलो सा शेड हो रहा था उसके ऊपर गंदगी की वजह से। तो मैं नहलाने लगा उसको जिस दिन लाया था, तो फिर जो है ना मुझे मना कर दिया कि यार इसको अभी नहीं लाना, तकरीबन 1 हफ़्ते बाद में लाना ताकि जो है ये घर में एडजस्ट हो जाए, नहीं तो ये तंग हो जाएगा और एकदम से जो है ना हो सकता है बीमार भी हो जाए या कुछ और मसला हो जाए या हमें ज़ख्मी कर दे। तो इस वजह से फिर तकरीबन 1 हफ़्ता मैंने पिछले एतवार से अभी इस एतवार तक जो है पूरे हफ्ते वो घर में माशाल्लाह तकरीबन एडजस्ट हो गया है, बाकी होता रहेगा। तो ये है कि अब उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि जो है उसको नहला दूँ मैं। तो आज सोच रहा हूँ नहला दूँ तो पानी गर्म हो रहा है उसके लिए, क्योंकि मौसम सखर में काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो बस अभी अगर पानी गर्म हो जाता है तो मैं जाता हूँ तो नहलाने की तैयारी करता हूँ और भाई को बोलता हूँ कि भाई तू भी रेडी हो, तो फिर दोनों मिलकर उसको नहलाएंगे। माना एक बंदा पकड़ेगा एक बंदा नहलाएगा। शैम्पू मैंने मंगा लिया, शैम्पू शायद अलीरजा सनसिल्क या डब लाया है, और अभी उसके लिए लेने जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल कंघी, जिससे उसके बाल जो है मैं सीधे कर सकूँ, क्योंकि जो है उसके बाल काफ़ी ज़्यादा उलझ भी चुके हैं। तो पहले कंघी वगैरह लाता हूँ, कंघी लाने के बाद फिर ये करता हूँ कि या तो उसमें गीज़र में तो पानी गर्म हो चुका ही होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर दूसरी किसी बाल्टी वगैरह में पानी गर्म करके उसको नहलाना शुरू करता हूँ। तो चलो चलते हैं। सीन कुछ ऐसा हुआ कि जो है ना बिल्ली को तो हम नहला नहीं सके, उसकी वजह ये हुई कि पानी जो है गर्म नहीं हो सका था, तो इस वजह से बिल्ली को नहीं नहला सके, क्योंकि सर्दी हो चुकी है, ठंडा मौसम हो चुका है। अगर बिल्ली को ठंडे मौसम में ठंडे पानी से या दरमियाने पानी से नहलाते तो जो है ना उसको सर्दी लग सकती थी। तो इस वजह से बस यही है, बिल्ली सामने ही खड़ी है सब, इस वजह से यही है। तो बिल्ली को तो नहीं नहला सका था मैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इतने ही बाल थोड़े से सेट करा के आ जाऊँ, क्योंकि बाल जो है ना बड़े ही ज़्यादा किस्म के ख़राब हो रहे हैं। जब मैं पहले वीडियो शूट कर रहा था उस टाइम हो रहे थे तकरीबन कोई 2:30 या 3 बजे का टाइम, लेकिन अभी जो बज रहा है टाइम वो हो रहा है 7:30 का, माना अभी शगिया जान हुई है। तो मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए, बाल सेट कराने के लिए, देखता हूँ क्या इरादा होता है। फिर मेरा भाई से रब्ता करता हूँ, पहले भाई क्या कह रहा है। सॉरी यार, वो मोबाइल इसलिए हिल रहा है क्योंकि सही से इस वाले में स्टेबल नहीं होता ये सेल्फी स्टिक है। तो बस जाता हूँ देखता हूँ क्या इरादा है, क्योंकि बाल हो गए हैं मेरे काफ़ी बड़े और मैं इरादा था मेरा बड़े करने का, गुद्दी उद्दी बड़ी हो रही है। तो मैं सेटिंग कराता हूँ अभी जाके, क्योंकि वीडियो के अंदर ही अच्छे नहीं लगते। तो चलो चलते हैं। यार हमजा अभी चला गया है, अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है यहाँ से घर से। तो माना चाय और बिस्किट वगैरह खा लिए थे हमने, जो नाश्ता भी कहते हैं जिसको।
तो बस बैठे हुए थे, वो गेम खेल रहा था पबजी, तो इस वजह से ज़्यादा कोई बातचीत ना हो सकी, जो रिकॉर्ड भी नहीं किया मैंने, मुनासिब नहीं लगा। तो अभी वो दरअसल फैमिली के साथ आया था अपनी, तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है। तो अब बस ऊपर जाके घर पे वीडियो एडिट करनी है, बाल अब थोड़े थोड़े सही लग रहे हैं। अच्छा एक सजेशन और चाहिए मुझे, ये बताओ आप लोग कि जो है ना मुझे बाल अपने कटवा लेने चाहिए या जो है इनको ऐसे रहना चाहिए या इसके ऊपर हेयर बैंड लगाऊं। जल्द काइंडली मुझे ज़रूर बताना है ये चीज़ के क्या करना चाहिए।